कुछ लोगों ने महाराष्ट्र में किसानों के नाम सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता केंद्र सरकार में कई वर्षों तक कृषि मंत्री रहे हैं। वैसे व्यक्तिगत रूप से तो मैं उनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन उन्होंने किसान के लिए क्या किया? 7 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने देश भर के किसानों से सिर्फ यह आंकड़ा याद रखना, 7 साल में देश भर के किसानों से सिर्फ 3.5 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी पर अनाज खरीदा, जबकि हमारी सरकार 7 वर्षों में एमएसपी के रूप में इतने ही समय में 13.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे चुकी है। 2014 से पहले दलहन और तिलहन ये किसानों को सिर्फ 500-600 करोड़ रुपए की खरीद एमएसपी पर होती थी, 500-600 करोड़, जबकि हमारी सरकार 1,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दलहन और तिलहन किसानों के बैंक खातों में दे चुकी है। जब वे कृषि मंत्री थे तब किसानों को अपने पैसे के लिए भी बिचौलियों के भरोसे रहना पड़ता था। महीनों महीनों तक किसानों को पेमेंट नहीं होती थी। हमारी सरकार ने एमएसपी का पैसा डायरेक्ट किसान के बैंक खाते में भेजने का प्रबंध किया है।